हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कल भी एक ब्लॉग डाला था जो कि जिसमें वॉल्यूम कम हो गई, मतलब मेरा माइक्रो, ये आवाज़ है क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, साइड से स्पीकर जो होता है उस पर मेरी उंगली आ गई थी। क्या हुआ? मेरे फ़ोन का नाम है रियलमी 5 प्रो। और बताओ आप लोग सब कैसे हो? हाँ, तो मैं कह रही थी आप लोगों से कि कल मेरी जो है स्पीकर पे उंगली आ गई थी मेरी, उस वजह से जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई मेरी। तो आई थिंक शायद आज मेरी आवाज़ क्लियर आएगी। देखो, आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं अपनी तारीफ करे बिना मानती ही नहीं हूँ, क्या करूँ गाइस। देखो ये हरे भरे दान, इनमें से चावल निकलते हैं। ये देखो ये पौधा कितना प्यारा है। इसको वैसे हमारे यहाँ पर गांजा बोलते हैं, पर पता नहीं। आप लोगों ने भृंगराज का पेड़ देखा है, जो उसमें आता है ना वीडियो में ऑयल वाला? ये देखो, ये भृंगराज का पेड़ है। ये जो है ये भृंगराज है। अगर कोई इसे नॉर्मल तरीके से ले, यहाँ से खेतों वगैरह में से तोड़े और इसे उबाल के पानी में, जब इसके पानी से अपने हेयर वॉश करें ना, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। भृंगराज का पेड़ है ना यहाँ पे? हाँ, ये इतने सारे हैं तो भृंगराज के पेड़ कहाँ? देखो, आओ दिखाऊँ मैं। अभी ये मेरी फ्रेंड है, ये हाथरस से आई हुई है, ये पूछ रही है, इसने शायद भृंगराज के पेड़ नहीं देखे। देखो ये रहे यहाँ पे, ये नहीं, इस पे व्हाइट कलर के फ्लावर जो आए हुए हैं वो है भृंगराज के पेड़। क्या होता है इससे? होता है इसे पानी में उबाल के, इसके जो पानी है ना उससे अपने हेयर वॉश करो ना, तो बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा जो टीवी में एड भी तो आता है ना उसका, हाँ भृंगराज का ऑयल जो आता है जी मैम, हाँ तो ये वो ही है। और यहाँ पे ये बेरिया खड़ी हुई है, इस पर बहुत अच्छे बेर आते हैं। ये मैं छोटी थी ना तब से है यहाँ पे, ये इस पर रेड कलर के बहुत अच्छे बेर पक जाते हैं इस पर। यहाँ पे ये धान है गाइस, और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना। देखो पीछे से एक बाइक आ रही है, ये शायद पता नहीं कौन है रामा। और ये तो हमारे दूधिया भैया निकले, हमको तो पता ही नहीं था ये हमारे दूधिया भैया निकलेंगे। और क्या बोलते हैं, मेरे छोरे को कैरी कर, ये मेरी बेटी को कैरी करके ले जा रही है। मैं हाथ हिलाते हुए चल रही हूँ, फ्री हो गया बिल्कुल। देखो और कितने मजे आने वाले हैं गाइस यहाँ पे। देखो आप लोग इसका फोन खराब, फोन में इसके लिए गाना चल रहा है गाइस, इसका फोन खराब हो गया है और ये मेरे फोन से अपना ब्लॉग शूट कर रही है। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं। देखिए वो सब तो मुझको ही पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, ये सब तो झूठे लोग हैं बस। गाइस सामने से एक बुलेट आ रही है, बुलेट पे पता नहीं कौन आ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। और हम यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं, रास्ते में कोई नहीं मिल रहा हमको, हम अकेले जा ही जा रहे हैं, हम तीन सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें ग्लैरी मिलने वाली है। अरे इनको तो मेरी बहन जानती है, मुझे नहीं पता था कि इनको मेरी बहन जानती है। गाइस ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, अच्छा है। मेरे घर आएगी हाथरस और मैं इसको बहुत सारा खाना बना के खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच, इसने बोला है मुझसे कि ये मोमोज खाना चाहेगी, तो मैं इसके लिए कल मोमोज बनाऊंगी। गाइस मुझे मोमोज बहुत पसंद है, आई लाइक मोमोज। नहीं वो टिंडे की पत्ते की सब्जी नहीं होती। गाइस मेरे घर काशी फल के पत्तों की सब्जी बनती है, तो मैं इसको बनाकर खिलाऊंगी, मतलब मैंने मम्मा बनाकर खिलाएंगी। आज मैंने ना आज तक कभी कद्दू के सब्जी की नहीं, कद्दू की सब्जी की नहीं 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 कद्दू के पत्ते की सब्जी कभी नहीं खाई। मैं बोल रही हूं ना, मैंने कद्दू की सब्जी तो खाई है, पर शायद आप लोगों ने भी। अगर आपको कद्दू के पत्ते की रेसिपी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट करें। नहीं मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं करना, मेरी वीडियो को कॉन्टेक्ट करें। नहीं मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कमेंट करके मुझे बताओ अगर आप लोगों को सब्जी की रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों को दूंगी।
इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग बन गई। इसी के साथ लग रही है गाइस, ये पागल हो गई है ये लड़की। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग फिनिश कर रही हूँ। बाय बाय गाइस, लव यू गाइस। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये हमारे ताऊ जी हैं, ये ताऊ जी हैं हमारे। किधर है वो? अरे ताऊ जी नमस्ते। ये ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, इनको दिखा दो बैक कैमरा करके। ये मैं इनको दिखा देती हूँ, आपको इधर से दिखाई दे रहे होंगे। ताऊ जी हाय बोलो। ताऊ जी नमस्ते कर दो, आप मेरे YouTube चैनल पर दिखाई दो। वैसे अभी इनको पता नहीं है YouTube चैनल क्या होता है, मगर ये फेमस हो जाएंगी। ये मैं फेमस हो जाऊंगी तो इन ताऊ को भी फेमस कर दूंगी। इसको भी एलवी यादव की तरह फेमस कर दो प्लीज गाइस। देखो कितनी रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो गाइस प्लीज। बाय बाय बाय।